जहन मेरा आप सभी को, और आज हम बात करेंगे साउथ चाइना सी के बारे में। क्यों? क्योंकि चाइना का डोमिनेंस साउथ चाइना सी पे बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ चुका है कि उसका पूरा कंट्रोल बन गया है। ऐसा लग रहा है कि वो पायरेट बन गया 21st सेंचुरी का। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? देखिए, उसने क्या करा है, साउथ चाइना सी पे ऐसा कब्जा बना लिया जिससे वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में एक ब्रिज कनेक्ट हो रहा था। अब वो चाइना वो कनेक्ट कर रहा है। अगर चाइना चाहेगा कि वहां से कोई शिप पास हो साउथ चाइना सी से तो पास होगा, वरना नहीं। और यही कारण बन जाता है इसका SSB में आने का। और आज की तारीख में ये एवरग्रीन टॉपिक है, इसके बारे में और बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं अपने बारे में, तो मेरा नाम है शुभम वाशने, बाय प्रोफेशन आई एम यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा एम है आपको आपकी यूनिफॉर्म के एक कदम पास ले जाना। रोज शाम को 5, 6 और 7 बजे मैं आपके लिए डेली SSB के लेक्चर और GD टॉपिक लाता हूं, मंडे टू फ्राइडे। और अगर आपको मेरे टॉपिक देखने हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं SSBD टॉपिक शुभम वाशने, या इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप CDS, FCAT, CAPF, SSB की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, ये इसका प्लान है। बट आप में से कुछ लोगों को पता होगा रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है, तो रोमन साइंस आपने मुझे कहा है कि भाई शुभम तेरा बहुत चलता है अनअकैडमी में, तो तेरे नाम का कूपन कोड है, तो डिफेंस एस्पिरेंट अगर इसे यूज करेंगे तो 10% का, मतलब उनको 10% का ऑफ मिलेगा। मेरे को 10% का ऑफ नहीं, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कहानी पे हम वापस आते हैं साउथ चाइना सी के ऊपर। साउथ चाइना सी अब कैसे हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसको हम डिटेल में समझेंगे लेक्चरेट, पर्सनल इंटरव्यू और बाकी चीजों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो लेक्चरेट होगा या वो पर्सनल इंटरव्यू। जो लेक्चरेट में आपसे सवाल पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा, साउथ चाइना सी व्हाई इज इट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। और जो पर्सनल इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जाएगा वो ये होगा कि साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, मतलब इंडिया कैसे रिजोल्व करवा सकता है या चाइना कैसे खुद से रिजोल्व करे, आपके जो भी ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग। अब जरा इस पूरी वीडियो के 3 हिस्से होंगे। पहला कि चाइना और साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, आशियान नेशन है, वो इन बात पे लड़ क्यों रहे हैं साउथ चाइना सी पे। दूसरी बात कि चाइना की USA से राइवलरी साउथ चाइना सी की वजह से क्यों बढ़ गई। और तीसरी, इंडिया और चाइना की राइवलरी साउथ चाइना सी से क्यों बढ़ रही है। अब जरा आगे चलते हैं। पहले कहानी की शुरुआत होगी चाइना और साउथ ईस्ट एशियन के बारे में। अब देखिए, ये पूरा है साउथ चाइना सी का हिस्सा, आप देख रहे होंगे यहां पर है चाइना है जो आपको रेड में दिख रहा है, और यहां पर ये जो कंट्रीज दिख रही है आपको, वियतनाम जो ब्लू में है, फिर मलेशिया, ब्रुनेई ये जो आपको हल्का सा ऑरेंज में दिख रहा है, फिलीपींस और ताइवान। तो कुल मिलाकर ये पूरी 5 देश है। इन 5 देशों के नाम आपको मुंहज़ुबानी पता होने चाहिए क्योंकि आपको इंटरव्यू में बोलने पड़ेंगे। ये आपसे पूछेगा भी कि आप जो 5 डिस्प्यूटेड नेशन है उनके नाम ले सकते हैं आप, या आपसे अभी CDS में भी पूछा गया था, ये जो CDS 2nd 2019 था उसमें भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट में कंट्री नहीं है। अब जरा इसमें बात समझें। देखिए, ये जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है इसमें ऑयल और गैस की भरमार है। यहाँ पर 11 बिलियन बैरल ऑयल है और 119 ट्रिलियन फीट क्यूब नेचुरल गैस आपको मिल जाएगी बहुत आराम से, मतलब इतना कि आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा अरब नेशन पे। तो हर कोई इसे पाना चाहेगा। एक रीजन तो ये हो गया कि साउथ चाइना सी पे चाइना क्यों कब्जा करना चाह रहा है। दूसरा रीजन ये है कि वहां पर फिशरीज बहुत है, मतलब दुनिया की 10% जो फिशरी कर सकते हो आप, ये साउथ चाइना सी में आप आराम से कर सकते हो, तो फिशरी का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हाई रहेगा। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि दुनिया का 30% ग्लोबल शिप ट्रेड जो होता है वो इसी एरिया से होता है। देखिए, इंडियन ओशन हो गया, यहां से आप मलेशिया को क्रॉस करते हुए यहां से आप पैसिफिक ओशन की तरफ जाएंगे, तो मतलब ये गेट पास है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चौथी और आखिरी बात ये है कि ये जो रूट है, क्योंकि ये एक ट्रेड रूट है, ये 2.0 बिलियन पॉपुलेशन का मार्केट देता है कि इतने मार्केट को कोई भी कंपनी एक्सेस करती है, तो अगर इस पे किसी एक देश का कब्जा होगा तो वहां पर वो ट्रेड वैल्यू बढ़ा देगा। अब जरा यहां पर साउथ चाइना जो सी है हमारा, उस पर चाइना की जो कब्जा है वो क्यों उसने कर दिया। देखो, उसने कहा कि हिस्टोरिकली ये जो हिस्सा है ये चाइना का हमेशा से हिस्सा था। जैसे ही चाइना ने ये बात कही तो 5 देश बुरा मान गए। मैंने आपको बताया था, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और ताइवान। उन्होंने कहा, आपने ऐसे कैसे कह दिया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एक चीज तय करी गई है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसका मतलब यह है कि किसी भी देश की जो समुद्र तट है, सी शोर है, वहां से 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक उसका सी का एरिया, कवर एरिया होता है।
एक नॉटिकल माइल होता है 1.82 किलोमीटर। ये आपसे एसएसबी में पूछा जाएगा, जब आप पूरी कहानी बोल रहे होगे ना तो आपको एकदम से टोक दिया जाएगा कि बताओ एक नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर में होता है, तो आप कंफ्यूज हो गए, इतनी बेसिक चीज नहीं पता मुझे, तो ये बात आप याद रखना। तो यहां पर कहानी ये थी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को चाइना क्रॉस कर रहा था। भाई आप जरा ये देखो, यहां पर ये वियतनाम को भी क्रॉस कर रहा है, यहां पर ये मलेशिया वाले को भी क्रॉस कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता कैसे है। अब पहले मैं आप ये बात समझो, अगर साउथ चाइना सी में पूरा अगर चाइना का ही कब्जा है, तो ये जो मान लो हमारा वियतनाम है उसका ऑयल भी चाइना ले लेगा, तो वियतनाम को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वो तो हमेशा फिर चाइना पे डिपेंडेंट रहेगा या फिर अरब से मंगाया वो किसी तरह से ऑयल। तो इसी वजह से ये जो देश है, पांच देश है, ये इस बात पर लड़ पड़े चाइना से, और इसी वजह से ये इंटरनेशनल मीडिया में एक बात उभर के आ गई। ठीक है, अब जरा ये देखें इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहां पर देख सकते हो वियतनाम का यहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक, फिर यहां से हमारा जो ब्रुनेई है वो हो गया, मलेशिया हो गया, ताइवान हो गया, तो इन सब का ऐसे था। अब ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला आपको डैश डैश करके दिख रहा होगा, ये वाला, ये पूरा ये फ्री जोन है, क्योंकि जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो एरिया बचेगा वो किसी भी देश का नहीं होगा, उस पर कोई भी देश आ सकता है, जा सकता है, उस पर उसको कोई पैसे नहीं देने, कोई टैक्स नहीं दे रहा, या मतलब यहां से कोई उड़ भी रहा है हो तो उसको कोई एयर चार्ज फी भी नहीं देनी। अब एक बार क्या हुआ, यूएस से ना पेट्रोलिंग कर रहा था, यूएस से जब पेट्रोलिंग कर रहा था इस फ्री एरिया से गुजर रहा था, तो जब इस फ्री एरिया से गुजर रहा था तभी एक चाइना का शिप आ गया, उसने वार्निंग दी कि आप यहां पर नहीं आ सकते, ये चाइना का एरिया है, और तब से ये न्यूज में बनना शुरू हो गया, पूरी कहानी का हिस्सा ये था। अब यहां पर सीन क्या होता है कि चाइना जब न्यूज में आया तो चाइना से पूछा आप ये इस एरिया को अपना एरिया कैसे कह रहे हैं, तो चाइना ने कहा कि एक थ्योरी दी, 9 डैश लाइन थ्योरी, आप ये अगर गिनेंगे लाइन तो आपको 9 डैश लाइन मिलेंगी। तो उसने कहा कि ये 9 डैश लाइन हमारा एरिया है, और कोई इसने पर्टिकुलर एरिया डिफाइन नहीं किया, बस एक रफ एरिया है। सोचो अगर मैं इस एरिया को ऐसे कर दूं तो 9 ये जो लाइन है ये मतलब एरिया जो हो गया इसको और बढ़ गया, अभी कहते जी यहां से तो यहां पर कम हो गया, अब यहां पर कम से कम अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स और पीछे आगे पीछे हो सकता आराम से, तो कोई फिक्स एरिया नहीं था। तो चाइना का एरिया कौन सा कुछ फिक्स नहीं हो रहा था। अब जब ये बात इतनी उछल गई तो चाइना को लगा अब हमें दबदबा बनाना पड़ेगा, अब हमें कानूनी तौर पे साउथ चाइना सी को कब्जा करना पड़ेगा। तो उसने एक दिमाग लगाया, एक जगह है यहाँ पर स्पार्टली आइलैंड्स। स्पार्टली आइलैंड्स क्या होते हैं, मतलब छोटे छोटे टापू हैं, इन्हें आर्क्यूपेलो भी कहते हैं, आर्क्यूपेलो। तो छोटे छोटे द्वीपों का समूह होता है, आपको ऐसा दिखेगा अगर आप इस जूम करेंगे ना, डॉट डॉट दिखेगी आपको, ठीक है। तो इनपे चाइना ने क्या करा कि अपने मिलिट्री बेस बनाए स्टार्ट कर दिए, ठीक है, जो पहले इनिशियली चाइना के पास थे उनकी टेरिटरी के अंदर, तो उस पे तो उन्होंने पहले बेस जब स्टार्ट करे तो उनको लगा कि और हिस्से चाहिए, तो उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाने शुरू कर दिए और उनपे अपनी मिलिट्री सेटअप करनी शुरू कर दी। अब जब ऐसा हुआ तो बाद में पिक्चर्स कुछ ऐसी उभर के आई, जब सैटेलाइट इमेज ली यूएसए ने तो उसको दिख रहा था कि यार इन्होंने तो रनवे भी बना रखा है, इनकी अपनी बिल्डिंग्स भी हैं वहां पर इनके आर्मी के पोर्ट भी बन रहे हैं, सब हो रहा है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इनकी आर्मी पर्टिकुलर डिप्लॉय है। और जब इनसे पूछा जाता है कि भाई यहां पर ये ऐसा क्यों कर रहे हो, तो जवाब देते हैं जी बस पीसफुली कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं मिलिट्री है, कोई लड़ाई नहीं करनी हमको। अच्छा, चाइना का ना एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिकल मूव रहता है, जैसे मान लो यूएस या मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इस बात को उछाले तो सब कुछ रोक देता है वो, पर जैसे ही इंटरनेशनल मीडिया शांत हो जाता है तो ये अपना कंस्ट्रक्शन का काम और तेजी से शुरू कर देता है, और फिर जब न्यूज में आता है फिर शांत हो जाता है। तो इस वजह से इसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो पता नहीं लग पा रही थी कि वो करना क्या चाह रहा है, क्यों हो रहा है। सो धीरे धीरे अपने मिलिट्री बेस को बढ़ाने वाली स्ट्रैटेजी को कहा जाता है कैबेज स्ट्रैटेजी। इन्होंने छोटे छोटे आइलैंड्स का में अपनी मिलिट्री बेस धीरे धीरे बढ़ाए, और जिसकी वजह से अब ये क्या करते हैं, अपने इकोनॉमिक जोन का एरिया बढ़ा दिया इन्होंने, क्योंकि अब ये आइलैंड्स तो इनके हो गए हैं, तो इसका मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक इनके एरिया में कोई घुस नहीं सकता। तो वियतनाम, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर, अब इनकी कोई औकात नहीं बची कि ये कह दें कि हम ये हमारा एरिया है, क्योंकि अब तो चाइना के मिलिट्री बेस हैं। खैर अभी क्लेम करा जा सकता है, और फिलिपींस ने यहां पर क्लेम भी किया था, यहां पर यूनाइटेड नेशन के कोर्ट में बात गई थी, और तब वापस एक जो आइलैंड था वो वापस चाइना को देना पड़ा। अब सीन क्या आता है, पहला सीन आता है यूएसए का। जब यूएसए इस बात से नाराज हुआ तो उसको एक बहुत डर सताने लगा कि ये जो चाइना है अगर साउथ चाइना सी पे कब्जा कर लेगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जो वेस्टर्न पैसिफिक है, ये देखिए
यहां पर ये पैसिफिक ओशन है, तो अगर पैसिफिक ओशन के ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे वेस्ट हो गया, अगर यहां पर इसने साउथ चाइना सी पे कब्जा कर लिया, तो ये वेस्ट वाले हिस्से पे पूरा का पूरा कब्जा चाइना का हो जाएगा, क्योंकि इंडियन ओशन को और पैसिफिक ओशन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वो है साउथ चाइना सी। तो यहां पर यूएसए कभी भी ट्रेड नहीं कर सकता इन आसियान नेशन के साथ, ना ही यहां पर जापान के साथ। जापान के साथ तो चलो हो जाएगा, यहां पर पास में ही है, पर यहां पर कोरिया ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि चाइना वहां पर सिर्फ साउथ चाइना सी पे जाकर रुकेगा नहीं, वो आगे भी एक्सपेंशन करना चाहेगा। दूसरी बात ये हो रही थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कहानी में, कि एक बार यूएसए ना पेट्रोलिंग कर रहा था इस वाले एरिया में, तो यहां पर आपने नोटिस करोगे यहां पर अमेरिकन फ्लैग लगे हुए हैं। ये अमेरिका के जो है नेवल बेसिस है, या मैं कहूँ मिलिट्री बेसिस है, तो इनके लिए यूएसए के लिए बड़ा खतरा था कि इनके मिलिट्री बेसिस पे कहीं ना कहीं अब एक स्ट्रॉन्गर एनिमी खड़ा हो रहा है, वो हो गया चाइना। तो इनको अब कहीं ना कहीं बैक ऑफ करने वाला कोई मिल गया है, तो इसलिए भी इनकी एक राइवलरी बननी शुरू हो गई। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहानी आती है चाइना और इंडिया की। चाइना और इंडिया के लिए क्या कंसर्न, देखो वैसे तो इंडिया का साउथ चाइना सी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, भाई वो अपने इलाके में क्या कर रहा है। बट अगर चाइना की हमेशा से एक थ्योरी देखें तो वह एक्सपेंशन थ्योरी, और वो हमने देखी है अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख रीजन में। वो हमारे इलाके को अपना इलाका कहता है, हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, उसको इस बात से दिक्कत होने लगी। अरुणाचल हम उसे एक पूरा स्टेट डिक्लेयर करते हैं और अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, तो उसे अपनी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी की मदद से ये इंडियन ओशन को भी आगे अपना टारगेट बनाना चाहेगा। क्यों, अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर श्रीलंका पे इसने लोन देकर अपना कहीं ना कहीं एक डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया है, और इसका एक कहीं ना कहीं नेवल बेस बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर मालदीव भी है, वो भी इसके कब्जे में है। उसके बाद पाकिस्तान यहाँ पर आ जाता है, तो पाकिस्तान में भी इसका एक पोर्ट बन चुका है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब अगर ऐसी ये एक पूरी चेन क्रिएट कर देगा और इस वाले एरिया से पूरा कनेक्ट कर देगा, तो ये इंडियन ओशन तो पूरा ट्रैप हो जाएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सीन क्या है कि इंडिया ऐसे बुली से फाइट कैसे करे, भाई एक तो तरीका है कि वो खुद स्ट्रॉन्गर बन जाए, दूसरा तरीका है कि वो उस जैसे जो थोड़े कम पावरफुल नेशन है उनका ग्रुप बना ले, और फिर एक बड़े जो ताकतवर देश है उससे कंपीट करे, या किसी स्ट्रॉन्गर नेशन को ज्वाइन कर ले। तीन तरीके हैं। पहले में इंडिया ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पसंद किया, उसने क्या किया, सिंगापुर में अपना मिलिट्री बेस स्टैब्लिश किया। अगर इसका फोटो देखें तो यहाँ यह है मलक्का स्ट्रेट जो कि साउथ चाइना सी को ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पर सबांग पोर्ट जो है वहां पर सिंगापुर ने परमिशन दे दी कि इंडिया को कि आप अपना एक नेवल बेस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां से आप अपनी फ्यूल अप भी कर सकते हो, सबमरीन भी डॉक कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहां पर चाइना को शॉक लग रहा था। उसके बाद क्या किया हमने, जो अंडमान निकोबार आइसलैंड होते हैं हमारे, जो यहां पर हैं अंडमान निकोबार आइसलैंड, यहां पर हमने पहला ट्राई सर्विस बेस बनाया। ट्राई सर्विस बेस मतलब वहां पर इंडियन आर्मी भी होगी, इंडियन नेवी भी होगी, और इंडियन एयरफोर्स भी होगी। मतलब पहले तो यहां पर ऑलरेडी विशाखापट्टनम और यहाँ पर चेन्नई जैसे बड़े बड़े पोर्ट हैं, उसके बाद अंडमान निकोबार हो गया, उसके बाद सावांग पोर्ट हो गया। तो मतलब ये पूरा एरिया तो चाइना के हाथ से पूरा गया, मतलब इस पर कोई डोमिनेशन बना ही नहीं सकता साउथ चाइना सी के बाद। बट यहां पर इंडिया कहीं ना कहीं अभी चाइना के लेवल पे कंपीट करने लायक नहीं है। तो उसने और क्या काम किया, उसने क्या किया कि अपनी ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने डिसाइड किया कि अब वियतनाम को भी सेल करेगा, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है। और अगर आप न्यूज अभी देख रहे हो तो आपको पता लगेगा ब्रह्मोस का लैंड अटैक भी अभी उड़ीसा के चांदीपुर जो सी सी मतलब सी पोर्ट है वहां से टेस्ट फायर किया गया है, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा, और इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर है। अब यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां से कहानी में जो अगली बात है कि अब एक तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई या तो तुम स्ट्रॉन्गर बन जाओ या किसी स्ट्रॉन्गर से ज्वाइन कर लो, तो अगला जो स्ट्रॉन्गर वाला हिस्सा था वो था यूएसए, कि यूएसए को ज्वाइन कर लो किसी तरह। तो यूएसए जापान फिलीपींस ने मिलके एक मिलिट्री एक्सरसाइज करनी शुरू की, पैसेक्स, इसका मतलब होता है पैसेज। ठीक है, पैसेज मिलिट्री एक्सरसाइज, ये 2017 में हुई और ये बहुत ही बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज थी। तो ये चाइना को कहीं ना कहीं संदेश दे रहा था, आइदर बैक ऑफ और आइदर वी आर रेडी। ये होता है वीडियो का लेक्चर का एंड। और अगर मेरे लिए कोई मैसेज हो, हैशटैग वाचने करके कमेंट बॉक्स में करो, या आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जिसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, और वहां पर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करता हूँ।
जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।